हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है फाइनल डे हमारा हॉस्पिटल में, यानी कि आज हमें डिस्चार्ज मिलने वाला है। और आज मैं परफेक्टली फाइन भी हूँ, परफेक्टली हाँ ठीक लग रहा है, आज अच्छा लग रहा है। और इधर है बेबी सोया हुआ, एंड जस्ट अभी थोड़ी देर में हम लोगों को डिस्चार्ज मिल जाएगा। ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया है, बहुत ही मज़ा आया 3 दिन हॉस्पिटल में रह के ना हमें मम्मी को एक सेपरेट बेड मिल गया है मम्मी भी अपना हॉस्पिटल टाइम इंजॉय कर रही है, और हम लोग भी बस अभी गया है कार लेने के लिए, डिस्चार्ज वगैरह का जो भी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह है वो सब करने के लिए गया है। फिर वो आ जाएगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे अपना पूरे घर लेके, अपना बेबी को घर लेके जाएंगे पीकू दीदी से मिलने के लिए। पीकू दीदी भी बहुत एक्साइटेड है और आशु बेबी भी बहुत एक्साइटेड। तो चलिए गाइस, वीडियो में बने रहिए एंड वीडियो को ढेर सारा प्यार देना। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, बिकॉज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स मिलने वाला है अब। तो बस हम लोग हो चुके हैं रेडी, और इधर मम्मी फिर से पैसा सब नर्स को देने वाली है। एक्चुअली वो लोग उस दिन भी लिया था, अभी फिर से लेगा। एंड इधर देखो बैग के चार्ज, बाबू मेरा सोना बाबू इधर छोया हुआ है। बस अब थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे घर के लिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है यार, इतना दिन बाद घर जाने वाले हैं। और घर में जो सुकून है वो ऑब्वियसली दुनिया में कहीं पे भी नहीं है, तो घर जाके एक अच्छा सा एक अच्छा सा सांस ले पाएंगे हम लोग। तो बस वेट कर रहे हैं अभी का, वो पेमेंट वगैरह कर रहा है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो फाइनली अब चले हम लोग यहाँ से, इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस हॉस्पिटल। यहाँ से मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली है, और मम्मी बाबू को लेके जा रही है। मैंने मम्मी को बोला मुझे दे दो, बट मम्मी इज़ लाइक नहीं नहीं तुम नहीं ले पाएगी, नहीं नहीं तुम नहीं ले पाएगी। ये देखो मम्मी लेके जा रही है बाबू को। चलिए चलते हैं घर पे और इंजॉय करते हैं बेबी के साथ, बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोग ब्लॉग में बने रहना गाइस, और अगर आपको नहीं सुना रहा है ना तो सॉरी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, बिकॉज अभी मेरा स्पीड यही रहने वाला है बात करने का और बहुत ज़्यादा खुशी लग रहा है यार। वाह, आई कांट एक्सप्रेस, आई थी अकेले जा रही हूँ मैं अपने बेबी के साथ, कितना खुशी वाला दिन है यार, वाह। और उधर है कार, एक्चुअली बैलून वगैरह मतलब दादी ने बोला नहीं लगाने के लिए, पता नहीं क्यों, तो हम लोगों ने नहीं लगाया। देखो देखो इतनी खुशी, आए थे अकेले अब जा रहे हैं दो, आए थे तीन जा रहे हैं चार और इधर फाइनली मम्मी बाबू को लेके आ रही है। आइए मम्मी, ये देखो बाबू बैठेगा कान में, चलो 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 बैठो 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 चलो चलो। और फाइनली आशु बैठ चुकी है नानू के गाड़ी में, है ना आशु? आशु बैठ गया है, चलो चलते हैं घर पिकू दीदी के पास, चलो लेट्स गो, हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरिया। सबको थैंक यू मेरे तरफ से, एंड पीकू दीदी के तरफ से भी थैंक यू। ये क्या किया, खाली खेल लिया। पीकू दीदी को भी थैंक यू, फैन बंद करो। पीकू बेबी बोलो बोलो, कमन बेबी बेबी कमन 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 लो लो लो, हो गया एक मार ले लो बेबी। अब आप लोग दे दे भेज लेते, बोलो वेलकम बोल ले, जा वेलकम ब्रो, ना ओ नो ओ नो नहीं 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 नही
बेबी को लेके आ बेबी को तो बस घर पे हम लोगों का स्वागत बहुत अच्छे से हुआ मेरा और बेबी का हैंड बहुत ज़्यादा ये रूम में यू नो बहुत ज़्यादा गर्म है इसलिए थोड़ा सा एसी ऑन करना पड़ रहा है क्योंकि बाबू को भी गर्म लग रहा है, इसको भी पसीना पसीना आ रहा है एंड बहुत अच्छा लग रहा है यार घर पे आके। पीकू बेबी का तो एक्साइटमेंट पूछो ही मत, हाई लेवल पे। और हम लोगों ने बैलून वगैरह सब वैसे करके रख दिया बिकॉज़ यू नो अगर वो फूटता है ना तो बाबू डर जाती है, इसीलिए हम लोगों ने सोचा चलो उसको खोल के रख देते हैं और अभी थोड़ी देर में उसको बाहर भी कर देंगे। और बाबू भी मस्त नानू के घर में इंजॉय कर रही है बहुत अच्छा। आज वो जगी हुई है, मतलब पता है क्या, हॉस्पिटल में बस उसको दूध पीना है, सुसु पोटी करना है और सोना है, लेकिन आज वो जगी हुई है, सबको देख रही है, इनफैक्ट सबके साथ खेल भी रही है। अच्छा लग रहा है यार, बहुत ही अच्छा लग रहा है, स्पेशली पीकू के साथ। पीकू का तो पूछो ही मत, बट हम लोग उससे बचा बचा के रख रहे हैं क्योंकि वो ऐसे 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 कर देती है इसीलिए। और हम लोगों ने रूम भी लॉक करके रखा है, मम्मी बोली रूम लॉक करके तुम दोनों लॉक रहो, बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। तो वही कर रहे हैं, हम लोग भी मम्मी का फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना। चलो मैं भी थोड़ा सा बीबी के साथ और खेल लेती हूँ, वो खेल रही है। और ये है छोटू बेबी का मस्कीटो नेट, बट एक्चुअली ये वाला नहीं यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ये न्यू है, लेकिन आई थिंक मैं इसे रिटर्न कर दूँगी बिकॉज इसका क्वालिटी मेरे को इतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ इसको रिटर्न करने का, देखते हैं। और अभी शाम हो चुका है, मैंने भी चाय वाय पी लिया है और मुझे मम्मी बोल रही है सो जाओ बट मुझे नींद ही नहीं आ रहा, मतलब मुझे लग रहा है मैं दुकान जाऊँ, छत पे जाऊँ, थोड़ा टहल के आऊँ, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल यार, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इसीलिए एक दो दिन अच्छे से रेस्ट करना पड़ेगा, स्टिच जब तक मेरा कट ना हो जाए तब तक तो रेस्ट करना ही पड़ेगा मुझे, है ना। यस सो ये गाइस व्हाट्स अप, आज नेक्स्ट डे, एक्चुअली कल मैंने और भी कंटिन्यू ही नहीं किया था वीडियो, थोड़ा सा इधर उधर बात बात करने में। और अभी मैं फ्रेश लग रही हूँ बिकॉज जस्ट अभी मैंने नहाया है, नहाया इन द सेंस स्टिच वगैरह है तो अच्छे से तो नहीं हो पाया बट जैसे हुआ। एंड दादी ने मेरे को तेल लगा दिया माथा वाथा सब जगह और बाल बाल बांध दिया है तनु ने, दादी बोल रही थी बिना तेल लगाए तुम लोग रहती हो बदमाश बच्चा ये वो बहुत सारा चीज़। मैंने बोला ठीक है दादी लगा दो तेल, तो देखो दादी ने तेल लगा दिया, हाथ पैर में भी मसाज कर दिया, बाबू का भी मसाज हो गया है, मम्मी मस्त मसाज कर दी और बाबू भी सोया है। और फिर थोड़ी देर बाद जब अभी उसको लेके जाना है वैक्सीन के लिए, बट शायद मैं नहीं जाऊँगी, देखते हैं मम्मी ही जाएगी सिर्फ, तो अगर मुझे जाना हुआ तो जाएंगे, नहीं तो फिर नहीं जाएंगे। तो चलिए गाइस इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो फिर से अगर हम लोग वैक्सीन वगैरह के लिए गए तो फिर ऑब्वियसली अभी आपको कंटिन्यूस व्लॉग मिलेगा, सो डोंट वरी। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, टिल देन बाय गाइस, हर हर महादेव एंड कीप अस इन योर प्रेयर, मी माय बेबी, माय बेबी स्लीपिंग, इतना क्यूट से वो सोती है ना मत पूछो यार बट मैं अभी आपको फेस नहीं दिखा सकती, बट शी इज़ वेरी क्यूट, वेरी वेरी क्यूट। मैं आपको थोड़े दिन बाद फेस दिखाऊंगी, कुछ है रिचुअल्स हम लोगों का वो हो जाए उसके बाद मैं आपको फेस दिखाऊंगी। बाय गाइज़।